welcome back to the channel. Here I am CA Sanshika Jain, and as we had discussed in the last class, I would like to recap what and all we had discussed. So, सबसे पहले हम एक बार ये recap कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था. ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीज़ें revise कर लें जो हमने last class में पढ़ी थी. तो last class में सबसे पहले मैंने आपको basic knowledge दी थी company law के बारे में. आप कैसे पढ़ सकते हैं company law, कैसे आपको अपना daily technique use करके चीज़ों को दिमाग में रखने की क्या technique है वो मैंने आपको बताई थी. तो वो सारी चीज़ें discuss करने के बाद हम आगे बढ़े थे कि what is company law, company क्या है, company law क्या है, कब उसको assent मिला, कब official gazette में वो notify हुआ, and so many of things about that. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इट्स जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इट इज़ ऑल्सो इट इज़ जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर वाइल इट इज़ एन इको सिस्टम इन इट्सेल्फ. वो अपने आप में एक पूरा इको सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड ऑर्डर्स. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैं आई जस्ट होप दैट यू हैव एक्चुअली गोन थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड आपने वो रीड किए होंगे ज़रूर. मैं ये ट्रस्ट करती हूँ आप पे. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ था कि हमने इनको, फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे जैसे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक्ट रीडिंग कर सकते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़े थे कंपनी के कुछ फीचर्स पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जिसमें कि मैंने आपको कई सारे उसके कुछ फीचर्स बताए थे जैसे कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. लेट्स जस्ट हैव अ व्यू ओवर हमने कल क्या राइट डाउन किया था एंड हम कितने सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो उसका अब कंपनी हैज़ इट्स ओन नेम, हैज़ इट्स ओन सील, उसके एसेट्स और उसके मेंबर्स बिल्कुल सेपरेट हैं. कंपनी जो है वो डिफरेंट पर्सन है, एक जो उसके मेंबर्स हैं वो डिफरेंट पर्सन होते हैं और कंपनी एक डिफरेंट पर्सन होती है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ का नाम लिया था मैंने, सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड. उसके बारे में मैंने आपको आगे एक्सप्लेन भी किया था. देन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स नॉट अ सिटीजन, इट्स अ रेजिडेंट, इट हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. उसके बाद उसका मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड अ कंपनी, वो उसके पास कैपेसिटी है कि वो सू कर सकती है एंड इट कैन ऑल्सो बी सूड. ओके, उसके बाद में मैंने आपको एक बहुत ही फेमस केस लॉ बताया था, सलमन वर्सेस सलमन कंपनी लिमिटेड का. पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके बाद इशू क्या आया उसमें और कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अभी तो मैंने आपको जो है केस लॉ समझाया था कल सलमन वर्सेस सलमन का, ये तो समझाने का तरीका हो गया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज देयर इन दिस केस. बट एग्ज़ाम में आप इस तरह से पूरी ड्राइंग करके और ऐसे आंसर्स प्रेजेंट नहीं करने वाले हैं. आप किस तरह से केस लॉ लिखेंगे उसका भी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. मैं वो आपको बताऊंगी, आपको मैं वो पूरा बताऊंगी कि कैसे आप केस की हेडिंग डालने वाले हैं, उसके बाद क्या उसके रिस्पोंडेंट्स या फिर कौन कौन पार्टीज़ हैं इन्वॉल्व उसमें, उसके बाद क्या इशू क्रिएट हुआ है, पूरी स्टोरी क्या है, पूरा केस क्या है, क्या इशू क्रिएट हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का या फिर किसी कोर्ट का क्या जजमेंट आया. तो ये बातें हम आने वाली क्लासेस में करेंगे. और मैंने जो ये पूरी आपको समरी दी है, अगर किसी ने ये मिस कर दिया है और आज से वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाइए और इसका डिटेल पूरा इंफॉर्मेशन आप वहाँ से गैदर कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी मैंने आपसे डिस्कस की थी जो आपको आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ सकती हैं, राइट. सो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक दूसरा केस, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड. मैंने कल आपको जो सलमन वर्सेस सलमन का केस लॉ पढ़ाया था, वो जो केस लॉ था वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड था. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड था मींस कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इसके दो और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. एक तो सलमन वर्सेस सलमन था, अब उसके बाद दो और केसेस हैं. दिस इज केस नंबर टू, लेट मी टेल यू, दिस इज केस नंबर टू एंड दिस केस
which was discussed in the previous class, the case which was discussed in the previous class of Salomon versus Salomon was a case number 1 from my side. ये जो हमने केस डिस्कस किया था दैट वॉज सैलमन वर्सेज सैलमन, ये हमारा केस नंबर 1 था. ठीक है, आज हम सेकेंड और थर्ड केस भी इसका पढ़ लेंगे. ये टॉपिक बिल्कुल हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा आज. अगर नहीं भी अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया हुआ होगा कल, तो टुडे यू आर रियली गोना टेक इट इनटू योर माइंड, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब इस केस में क्या होता है, इसे हम एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं. जैसे कि हमने सैलमन का केस पढ़ा था. केसेस बेसिकली बिल्कुल भी, मैंने कल भी बताया था, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि केस है, ओ माय गॉड कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या हमें, और क्या हमें मतलब वी आर जस्ट ब्लैंक अबाउट इट. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. जस्ट स्टोरी है, मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊँगी कि एक समय की बात थी, ऐसा 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 हुआ था, फिर इसमें ये इशू क्रिएट हुआ था और कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दिया था. ओके, नाउ लेट्स कम टू द केस. Lee versus Lee's Air Farming Company Limited. Now, there was a person whose name was Mr. Geoffrey Lee. एक person थे जिनका नाम था Mr. Geoffrey Lee, जो कि एक pilot थे profession से. He used to fly the planes. वो एक pilot थे profession से. उन्होंने एक जो है company incorporate की थी. उन्होंने एक इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी जिसका नाम उन्होंने रखा था लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड. ये उस कंपनी का नेम था. अच्छा, ये तो आप सब जानते हैं. जैसे मैंने लिखा ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड, वर्सेस का मतलब है इन दोनों के बीच का ये केस है. ओके, अब इस कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं. जस्ट लेट्स सी इट. इस कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं इसका क्या स्टेटस था. जब इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, लीफ एयर फार्मिंग कंपनी जब इन्होंने इनकॉर्पोरेट की, तो उसका क्या स्टेटस था. लेट्स सी इट नाउ. इस कंपनी के 3000 शेयर्स थे. इस कंपनी के 3000 शेयर्स थे, जिसमें से 2999 शेयर्स जो थे वो मिस्टर ली के थे. मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी थी इसमें, मिस्टर ली की. ठीक है, 3000 शेयर हैं कंपनी के पास, जिसमें से 2999 शेयर्स, 2999 शेयर्स खुद मिस्टर ली ने होल्ड करे हुए हैं. अब इस कंपनी के डायरेक्टर्स की बात करते हैं कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है. इस कंपनी के डायरेक्टर भी मिस्टर ली ही हैं. ठीक है, मिस्टर डायरेक्टर जो डायरेक्टर हैं वो भी मिस्टर ली हैं. अब नाउ टॉक लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग. इस कंपनी में जो चीफ पायलट हैं, ये एयर कंपनी है ऑब्वियसली, वो एक पायलट थे. इस कंपनी के जो चीफ पायलट थे वो भी मिस्टर ली ही थे. इस कंपनी के चीफ पायलट भी मिस्टर ली थे, जो कि सैलरी पे काम करते थे अपनी ही कंपनी में. सो लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन. ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड मिस्टर जॉफ्री ली ने इनकॉर्पोरेट की थी. इस कंपनी के 3000 शेयर्स थे, जिसमें से 2999 शेयर्स मिस्टर ली के खुद के थे, और जो डायरेक्टर थे इस कंपनी के वो भी मिस्टर ली ही थे. चीफ पायलट जो थे वो मिस्टर ली थे, जो कि सैलरी ड्रॉ करते थे. ठीक है, वो सैलरी ड्रॉ करते थे. चलिए, अब क्या हुआ, एक दिन मतलब उनका सब बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा था, आराम से वो अपनी पायलट वाली जॉब अच्छे से कर रहे थे, अपनी कंपनी अच्छे से चला रहे थे. एक दिन अचानक से क्या होता है, एक दिन अचानक से क्या होता है, चढ़ते चलते आसमान में उड़ाते उड़ाते प्लेन एकदम से जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है. क्या हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है. ओ माई गॉड, प्लेन क्रैश होने की वजह से मिस्टर ली की डेथ हो जाती है. वेरी सैड टू हियर, मिस्टर ली की डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश होने की वजह से. दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस. अब ये डिसाइडेड तो नहीं होता ऑब्वियसली, ये एक नेचुरल अननेचुरल नेचुरल सी डेथ है जो कि अचानक से हो गई. अब क्या कर सकते हैं इसमें. उसके बाद क्या हुआ,
जैसे कि मैंने बताया था डेथ हो जाती है लेकिन कंपनी तो बननी होती, कंपनी गोज ऑन, वो अपना काम कर रही थी। अब जो है मिसेज ली जो कि मिस्टर ली की विडो है, मिस्टर ली इज़ नो मोर, मिस्टर ली की विडो मिसेज ली ने कहा कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। उन्होंने कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम किया। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड अब नहीं हैं, उनके बदले क्योंकि अब वो नहीं है मुझे मेरा कॉम्पनसेशन चाहिए। उन्होंने मोर देन 2,000 पाउंड्स, अरे करीबन एग्जैक्टली आई जस्ट डोंट नो कि एग्जैक्टली उसका क्या अमाउंट था, 2,000 समथिंग, 2,000 मे बी 2,400 समथिंग, सो मोर देन 2,000 पाउंड्स का उन्होंने जो है वो कॉम्पनसेशन क्लेम किया था। इससे ज़्यादा नहीं था, 2,000 की रेंज में ही था, 2,500 तक की रेंज में। उन्होंने कहा कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए मेरी हस्बैंड की डेथ का। अब ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये जो कंपनीज हम जिनकी बात करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का ना इंश्योरेंस कराती करा के रखती हैं। अपनी कंपनीज जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस ऑलरेडी करा के रखती हैं, क्योंकि देखिए अननेचुरल सी चीज़ है, कोई भी नेचुरल सी एक्सीडेंट, डेथ, इंसैनिटी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन दिया जाता है। ठीक है, सो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास मिसेज ली आई, मिसेज ली, लेट्स टॉक अबाउट मिसेज ली। मिसेज ली ने कहा इंश्योरेंस कंपनी से कि इंश्योरेंस कंपनी प्लीज़ मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, आप मुझे इंश्योरेंस क्लेम दे दीजिए मोर देन समथिंग अबाउट 2,000 पाउंड्स का। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, आर्ग्यूमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, उसने कहा कि मिस्टर ली ने कंपनी बनाई, मिस्टर ली मेड कंपनी, मिस्टर ली ने कंपनी बनाई, पॉइंट नंबर वन। ही हैज़ मेजॉरिटी शेयर्स, मिस्टर ली के पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं कंपनी के, राइट? बताइए मिसेज ली, एम आई राइट? पॉइंट नंबर वन, आपके हस्बैंड ने कंपनी बनाई। नंबर टू, आपके हस्बैंड के पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं। नंबर थ्री, वो पायलट हैं अपनी कंपनी, थे अपनी कंपनी के, वो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। चलिए वापस देख लेते हैं एक बार। देखिए मिस्टर ली जैसे कि सैलमन हीरो थे अपने केस के, यहाँ पे मिस्टर ली हीरो हैं अपने केस के। कंपनी उन्होंने बनाई, शेयर्स मेजॉरिटी वो होल्ड कर रहे हैं, डायरेक्टर वो हैं, चीफ पायलट भी वो हैं, सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको कॉम्पनसेशन क्यों दें, हम आपको कॉम्पनसेशन क्यों दें, जब कंपनी ही उनकी है तो आपको हम एज ए हम लोग एम्प्लॉय का कॉम इंश्योरेंस करते हैं, हम क्यों उनको कॉम्पनसेशन दें जबकि कंपनी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जो बात हुई न्यूजीलैंड कोर्ट में गई, न्यूजीलैंड, वन सेक, न्यूजीलैंड, भाई हम इंडियंस हैं, इंडिया की स्पेलिंग अच्छे से आती है। न्यूजीलैंड कोर्ट में गई जब ये, तो क्या हुआ, न्यूजीलैंड कोर्ट ने कहा इंश्योरेंस कंपनी को आर यू मैड, क्या आपको लॉज नहीं पता, ये आप क्या बात कर रहे हैं, मिसेज ली उनकी विडो हैं, वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर रही हैं, आप उनको कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देते। इंश्योरेंस कंपनी अपनी बात पे अड़ी हुई थी, उसने कहा नहीं, मिस्टर ली की कंपनी है, डायरेक्टर हैं उसके, पायलट हैं उसके, सब कुछ है उनके पास, वो उनके मेजोरिटी शेयर्स भी होल्ड कर रहे हैं, क्यों हम उनको कॉम्पनसेशन देने लगे। न्यूजीलैंड कोर्ट ने कहा मिसेज ली आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी, यू विल श्योरली गेट द कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन ग्रांटेड। उन्हें कॉम्पनसेशन मिला, किस ग्राउंड्स पे मिला, क्यों कहा कोर्ट ने ऐसा, कोर्ट ने कहा मिस्टर ली एक अलग इंसान है और ये जो कंपनी है ये अलग इंसान है, और मिस्टर ली जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं सैलरी क्योंकि वो पायलट की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। दैट्स वॉट इज द एसेंस ऑफ द केस, दैट्स वॉट इज द मेजर स्ट्रिक ऑफ द केस, कि
जो कोर्ट है उसने अपने लॉ को फॉलो किया, उसने सही जजमेंट पास किया, उसने कहा मिसेस ली को कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलेगा, इस ग्राउंड पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? इस ग्राउंड पे मिलेगा कि मिस्टर ली जो हैं वो एम्प्लॉय भी थे अपनी कंपनी के। हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, लॉ लॉ है, सबके लिए बराबर है, ठीक है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। एंड मिस्टर ली विड्रॉ कर रहे हैं सैलरी, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को कंपनसेशन उनको मिलेगा। सो दिस वॉज द केस ऑफ ली वर्सेज लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। दिस वॉज द सेकेंड केस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो हमने आज डिस्कस किया है। अब एक दूसरा तीसरा और आखिरी केस हम पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड केस नहीं करेंगे, इनफ केसेस ऑफ दिस। एक थोड़ा सा अलग सा केस है, मैं आपको केस नंबर 3 बताना चाहती हूँ, विच विल बी द लास्ट केस फॉर दिस टॉपिक, कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का एक लास्ट वो है। चलिए एक केस की बात करते हैं, मैक्वायर वर्सेस नदन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैक्वायर वर्सेस नदन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये एक केस है। अब इस केस की कहानी सुन लेते हैं हम लोग। मिस्टर मैक्वायर एक बंदे हैं जिनका नाम है मिस्टर मैक्वायर। ये जो मिस्टर मैक्वायर है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ज़मीन होगी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पे क्या है, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, तो जो समझ में आया मैंने बना दिया है। इस प्रॉपर्टी पे कुछ टिम्बर ट्रीज लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? कुछ टिम्बर ट्रीज। ये जो प्रॉपर्टी है उनकी, जो जगह है, उस पर टिम्बर ट्रीज लगे हुए हैं जो उनको जान से ज़्यादा अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं उन्हें। इसीलिए क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं उन्हें, उन्होंने उनका इंश्योरेंस करा लिया है। ये इंश्योरेंस किसके फेवर में करा लिया है? मिस्टर मैक्वायर ने अपने ही फेवर में ये इंश्योरेंस जो है वो करा लिया है, ठीक है। सो हमने ये देखा कि मिस्टर मैक्वायर हैं, एक बंदे हैं जिनकी एक प्रॉपर्टी है जिस पे टिम्बर ट्रीज लगे हुए हैं जो उन्हें बहुत प्यारे हैं। इसीलिए कोई चीज़ प्यारी होती है और बहुत महंगी होती है तो हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो उन्होंने इन टिम्बर ट्रीज का इंश्योरेंस करा लिया है। मिस्टर मैक्वायर ने खुद अपने फेवर में ये इंश्योरेंस करा लिया है। क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी जिसकी मैंने अभी आपको ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपकी आपसे अभी बात करी है टिम्बर ट्रीज वाली, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है एक कंपनी को, एक कंपनी को उसका ओनर बना दिया है कि लीजिए कंपनी जी, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दे दी है, ट्रांसफ़र कर दी है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद इस कंपनी का क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस कंपनी को ट्रांसफ़र करने के बाद हमने ये पाया कि 42,000 फुली पेड अप शेयर्स हैं इस कंपनी के, जो कि मिस्टर मैक्वायर ने होल्ड किए हुए हैं। मिस्टर मैक्वायर ने 42,000 फुली पेड अप शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपसे कंफ्यूज ना हो। मिस्टर मैक्वायर ने ये शेयर्स होल्ड कर लिए हैं। अब इस कंपनी के क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन है इसका क्रेडिटर? ऑब्वियसली इतना तो समझ में आ गया होगा कि मिस्टर मैक्वायर इसके क्रेडिटर हैं। उन्होंने 19,000 पाउंड्स कंपनी को दे दिए थे, उसके क्रेडिटर बन गए हैं, ठीक है। कंपनी को उन्होंने पैसे दिए हैं कुछ 19,000 पाउंड्स करीब, और वो उसके क्रेडिटर बन गए। नाउ फ्यू मोमेंट्स लेटर, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, क्या हुआ कुछ दिनों बाद, मैं बताती हूँ आपको। कुछ दिनों के बाद मिस्टर मैक्वायर ने कहा, उससे पहले क्या हुआ, फायर आई, फायर अच्छी नहीं बनी, इग्नोर।
बहुत सारी आग लग गई, सारे टिम्बर ट्रीज प्रॉपर्टीज सब डिस्ट्रॉय हो गया। जान से ज़्यादा चीज़ अजीज़ हो किसी को और उसकी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, हार्ट ब्रेकिंग राइट, एकदम मतलब दिल टूट गया मिस्टर मैकवायर का। ओके, सो मिस्टर मैकवायर ने कहा कि मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा था, मैंने तो इंश्योरेंस करा लिया था, चलो अब प्रॉपर्टी नहीं रही तो क्या हुआ, कम से कम मैं इंश्योरेंस तो क्लेम कर लूँ, इंश्योरेंस तो क्लेम कर लूँ। वो कोर्ट के पास गए, उन्होंने कहा कोर्ट प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है, मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। चलिए, कोर्ट ने कहा स्टॉक, जो आपका स्टॉक था, जो टिम्बर ट्रीज का स्टॉक था आपका, उसकी ओनरशिप किसके पास थी, उसने जो है प्रॉपर्टी मिस्टर मैकवायर ने कंपनी को दे दी थी ना, तो ओनरशिप जो थी वो कंपनी के पास थी, और जो इंश्योरेंस कराया गया था, मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस किसका कराया गया था, टिम्बर ट्रीज का, किसके फेवर में था, मिस्टर मैकवायर के फेवर में। एक बार देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग। आप बोलेंगे मैम ये क्या बोल रही हो आप, देखो मैंने बिल्कुल प्रूफ लिखा है यहाँ पे, ये देखिए मिस्टर मैकवायर ने, ये देखिए मिस्टर मैकवायर ने अपना इंश्योरेंस कराया था, ठीक है, उससे पहले भी देख लीजिए यहाँ पे, टिम्बर ट्रीज का इंश्योरेंस मिस्टर मैकवायर ने अपने ही फेवर में कराया था। ठीक है, मैंने कहा था ना मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलती। चलिए, अब ये इंश्योरेंस जो मिस्टर मैकवायर ने कराया था वो अपने फेवर में कराया था, और जो कंपनी की ओनरशिप थी वो कंपनी के नाम, जो स्टॉक की ओनरशिप थी वो कंपनी के नाम की थी। कोर्ट ने कहा हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या, आर वी आउट ऑफ आर माइंड, हम क्यों आपको इंश्योरेंस क्लेम देंगे, जबकि दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही हैं। कंपनी ओनर है, कंपनी मालिक है, कंपनी ओनर है स्टॉक की, वो एक अलग चीज़ हो गई, और जो आपने इंश्योरेंस कराया है वो आपने मिस्टर मैकवायर अपने ही नाम पे करा लिया है। एक ही चीज़ के दो दो चीज़ें अलग अलग कैसे हो रही हैं, वो चीज़ कंपनी ओन करती है, मालिक वो उसकी है, इंश्योरेंस आपने अपने फेवर में करा लिया है, दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही हैं, तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम देंगे या नहीं देंगे, एक थॉट दीजिए माइंड में, क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा आपको इंश्योरेंस क्लेम हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। रीजन, रीजन क्या दिया कोर्ट ने, कोर्ट ने कहा हम आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कंपनी जो है वो ओनर है, और आपने जो इंश्योरेंस कराया है वो अपने ही नाम पे कराया है। अगर आपने इंश्योरेंस भी कंपनी के नाम पे कराया होता, अगर आपने जो इंश्योरेंस कराया है वो आपने कंपनी के नाम पे कराया होता, तो ऑब्वियसली हम आपको देते, बिल्कुल देते। ऐसा नहीं है, हमें आपसे कोई ज़्यादती दुश्मनी नहीं है कि हम आपको नहीं दे रहे हैं क्लेम, आपने लॉ फॉलो नहीं किया ठीक से, आपने जो है कॉन्ट्रडिक्ट ही कर दी दो चीज़ें। इसीलिए अगर इंश्योरेंस आपने अपने नाम पे ना करा के कंपनी के नाम पे कराया होता तो हम आपको ज़रूर वो क्लेम देते। आई होप आपको एक केस समझ में आया होगा, क्योंकि कंपनी का अलग है। अब ये तो नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस मिस्टर मैकवायर के नाम पे है तो आप उन्हें क्लेम दे दीजिए, भले ही कंपनी के ओनरशिप है, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हमने बाकी दो केसेस में दोनों को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे पढ़ा है, ठीक उसी को फॉलो करते हुए हम इसमें उसको चीज़ को फॉलो करेंगे। और मिस्टर मैक्योर वर्डिक्ट ये निकल के आया कि मिस्टर मैक्योर को क्लेम नहीं मिला, और कोर्ट ने कहा अगर आपने ये कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस लिया होता तो हम आपको ज़रूर ही इसका कॉम्पेंसेशन देते। सो दिस वॉज अबाउट द केस एंड वी क्लोज अवर टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी स्लैश सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ इस टॉपिक को अब हम यहाँ क्लोज करते हैं बाय रीडिंग 3 बैक टू बैक केस लॉज, एंड आई होप आप इस केस लॉज को अच्छे से समझेंगे। अब कुछ की कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं जो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। देखिए डिटेल में
ये कंपनी लॉ का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो डिटेल में तो आप ऑब्वियसली आगे जाके मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ, पर अभी जो की कॉन्सेप्ट है उन्हें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक टर्म यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब क्या होता है। चलिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पहला वर्ड है ऑफिसर। ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, या कोई KMP हो सकता है, या कोई भी जो बोर्ड ने डिजिग्नेट किया हो वो हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टर, मैनेजर, कोई भी, KMP। दूसरा कीवर्ड है KMP खुद। KMP बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, इसका तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है पूरे कंपनी लॉ में अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KMP में कौन कौन आता है? CEO, CS KMP का पार्ट है, होल टाइम डायरेक्टर KMP का पार्ट है, CFO, या फिर कोई भी जो KMP से एक लेवल नीचे हो सकता है, कोई भी जो कि मैनेजमेंट में KMP से एक लेवल नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा मैं आपको कीवर्ड समझाना चाहूँगी प्रमोटर का। प्रमोटर कौन होता है? देखिए, प्रमोटर जो है ना, वो जिसका नाम, हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है कंपनी के, जिसका कंट्रोल है, हैज़ कंट्रोल ओवर अफेयर्स, जिसका ना पूरा कंट्रोल है अफेयर्स पे, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, पूरा नहीं कहूँगी बट हाँ कंट्रोल है उसका, ऐसा नहीं है कि उसके कहने से कुछ होगा नहीं। बाकी वो एलिजिबल है एडवाइस देने के लिए किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसकी बात सुनी जाती है, वो एक प्रमोटर कहलाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑफिसर कौन है, फिर मैंने आपको बताया KMP कौन होता है, बेसिक सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल टर्म वाइज। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रमोटर कौन होता है। अब मैं आपको ज़रा बता दूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके लिए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में डिफाइंड है, स्टार मार्क कर देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बस इतना समझ लीजिए ये कि कंपनी से उसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बाकी इसके कई सारे रूल्स प्रोविजन्स हैं वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में पूरा अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है, ओके। अब एक टर्म है जिसका नाम है क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट्स एक कीवर्ड है, वो क्या है इसका मैं आपको आने वाली क्लास में एक केस लॉ समझाऊंगी कि पहले क्लास एक्शन की क्लास एक्शन सूट होता क्या है, ये पहले इंडिया में नहीं था, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, किस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा क्या हो गया था कि इसको लाना पड़ा, इसके लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखने का वेट कीजिए कि क्लास एक्शन सूट्स क्यों आया था, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है CSR। CSR बहुत आजकल सुनने में आ रहा है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करती हैं वेलफेयर के लिए, वो मैंडेटरी है। उसके बाद है आपका एक टॉपिक जिसका नाम है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। एक वर्ड है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर विच हैव टू बी फॉलोड एज अ कन्वेंशन फॉर योर अकाउंटेंसी, सिमिलरली सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स यू हैव टू फॉलो। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बताते हैं कैसे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, सर्कुलेशन करना है किसी भी पेपर्स का, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये चीज़ें मैंशन हैं, ये भी आने वाले क्लासेज में आपको पता चलेंगी। सो दीज आर सम कीवर्ड्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्लास एक्शन सूट्स के लिए। अगला एपिसोड मतलब अगली क्लास आपको देखनी ज़रूरी है कि क्यों आया, किस वजह से आया, ऐसा क्या हो गया था इंडिया में कि उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए और स्टे सेफ स्टे हैप्पी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।